मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में अगर बिल्डिंग परमिशन चाहिए तो पेड़ लगाएं। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां बिल्डिंग परमिशन के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य किया गया है। पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज चिंता का विषय है कि हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि आने वाली पीढ़ियों के प्राकृतिक संसाधन भी नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश में अब बिल्डिंग परमिशन के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य किया गया है। नगर निगम से लेकर नगर पालिका, नगर पंचायत और पंचायत स्तर तक लागू होगा ये नियम। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का पहला राज्य भी बन गया है जहां बिल्डिंग परमिशन के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य किया गया है। बिल्डिंग परमिशन के साथ ये शर्त अनिवार्य की जाएगी कि वो पेड़ लगाएंगे ही। आपको मकान बनाना तो पेड़ लगाने की शर्त बिल्डिंग परमिशन के साथ। कोई बड़ा काम नहीं है, मकान बना रहे भैया पेड़ लगाओ, मकान में जगह, मकान के अगल बगल में लगाओ। इनके जगह नहीं है तो नगर निगम, नगर पालिका के पार्क में, पंचायत, स्कूल भवन, जहां भी जगह लगाओ। और ये नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में तो होगी, हम पंचायतों को भी कहेंगे गांव में भी मकान बने तो एक पेड़ अनिवार्य। और प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान जो बना है उसमें भी अनिवार्य एक पेड़ लगाना है। 1.5 लाख का मकान बनता है, एक पेड़ लगाओ भाई। तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्डिंग परमिशन अनिवार्य कर दी जाएगी कानून। तो पेड़ मकान बनाया तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पर्यावरण डिस्टर्ब होता ही है, रेत बजरी सीमेंट सब आती है, तो उसकी भरपाई कर दो भैया, पेड़ लगा दे। हिंडाल्को महान पावर एल्युमिनियम की तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।